आपकी सावधानी ही है आपका बचाव। चाबी बनाने के नाम पर लूट करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। घर घर जाकर चाबी बनाने के साथ घर में करते थे लूटपाट, छह साथी चोर गिरफ्तार। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपने लूट ठगी की तमाम तरह की तरकीब सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक तरकीब ऐसी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अनोखे ढंग से घरों में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का सहारनपुर पुलिस ने खुलासा किया है। थाना सदर बाजार पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऐसे गिरोह के छह साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने खुलासा करते हुए बताया कि पिछले काफी दिनों से शहर में एक गिरोह चाबी बनाने के बहाने घरों में लूटपाट कर रहा था, जिसकी काफी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार एवं एसओजी के द्वारा छह साथी चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। यह लोग घरों में चाबी बनाने के बहाने घटना को अंजाम देते थे। यह सभी लोग गुजरात के रहने वाले हैं। इनके द्वारा चोरी की गई ज्वेलरी, आठ मोबाइल और भारी तादाद में नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ये अहम खबर, जिसे आप सुने और ध्यान रखें। घर घर चाबी बनाने के नाम पर ये लोगों के घरों में पहुंचते थे और लूट की घटना को अंजाम देते थे। ऐसे गिरोह के छह सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से ज्वेलरी, मोबाइल व नगद बरामद किया गया है। जी हाँ, सीओ टू त्रांशु गौतम जी के नेतृत्व में और सदर बाजार थाना प्रभारी ने एक बहुत सारे सराहनीय काम किया है। इसमें एक इंटरस्टेट ये गैंग है, ये गैंग ठगों का है। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये रहने वाले सब गुजरात के हैं, दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हैं। ये लोग चाबी बनाने का काम करते हैं, तो घर घर जाते थे, चाबी बनाने के नाम पर घर में घुसते थे, एंट्री लेते थे और किसी को चाबी बनाते हुए कभी जब कोई नहीं देख रहा होता था तो उनके यहाँ से कीमती सामान निकाल लिया करते थे। इसी तरह की दो घटनाएं इन्होंने सहारनपुर में करी हैं बीते दिनों, एक कोतवाली देहात में, सदर बाजार में। तो ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए आज सुबह 8:30 बजे रेलवे स्टेशन के पास। सर, क्या कुछ बरामदगी हुई है? जी हाँ, पिछली दो चोरियों में जैसे मैंने आपको बताया, सदर बाजार में जो चोरी हुई थी उसमें ज्वेलरी गई हुई थी, ज्वेलरी और कैश गया था, तो ज्वेलरी और कुछ कैश रिकवर कर लिया गया। इस तरह कोतवाली देहात में भी जो पूरा सामान गया था उसकी 100% रिकवरी हो गई है। जी हाँ, दिखाया जा रहा है इनका अमृतसर में, इसमें से एक गैंग सदस्य है शहनशाह, उसका अमृतसर में कुछ 3-4 मुकदमे सामने आए हैं, वहाँ से डिटेल हम मंगा रहे हैं। सर, टीम को कोई नाम? जी हाँ, ये इस सराहनीय काम के लिए मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर को रिकमेंडेशन दी है कि गिरफ्तारी टीम को इनाम दिया जाए।